टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला औषधि है। आप इसे अच्छी तरह से देख लें, पहचान लें। यह एक बेल होता है, यह पेड़ों पर चढ़ा होता है दोस्तों। इस बेल को अच्छा से देख लें, पहचान लें। यह इसका पत्ता हरा हरा होता है, लेकिन जब यह छोटा छोटा होता है, इसका पत्ता कोमल होता है, तो यह लाल होता है और यह लालपन लिए होता है। यह बहुत दुर्लभ औषधि है, यह प्रायः लुप्त होती जा रहा है। यह औषधि बहुत ही उपयोगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भगत। हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। इस औषधि बेल को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे हरजोड़ के नाम से जानते हैं। अगर आपके क्षेत्र में यह किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट कर इसे बताएं। यह औषधि किसी प्रकार की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देता है दोस्तों। यह बहुत ही पावरफुल औषधि है दोस्तों, आप इसे मामूली नहीं समझें। ग्रामीण क्षेत्र में इसे सदियों से उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में जानते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। अगर किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट गया है, या पशु को, गाय भैंस, किसी को भी यह पैर टूट गया है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले टूटी हुई हड्डियों को आप सीधा कर लें और सीधा करके बांध लें। इस औषधि को आप टुकड़ा टुकड़ा कर इसको अच्छी तरह से पीस लें, एक पेस्ट के रूप में बना लें। टूटी हुई स्थान पर इस औषधि को आप एक लेप की तरह आप इसको लेप लगा लें और इसको अच्छी तरह कपड़ा से बांध लें। ध्यान रहे, आप जिस पैर या हाथ पर टूटा है उसे आप सीधा कर लें, अन्यथा जिस प्रकार रहेगा वह उसी प्रकार हड्डी जुट जाएगा। इस औषधि का पेस्ट बनाकर बांधने के बाद आप पतला पतला बांस को आप उस स्थान पर सीधा करके बांध दें। इससे आपका पैर या हाथ सीधा रहेगा, मुड़ने का कोई डर नहीं रहेगा दोस्तों। इस औषधि के बांधने के बाद आप एक दो रोज के बाद इसमें गाय का दूध का लेप करें, जिससे यह उसमें नमी बना रहे, वह सूखे नहीं। ऐसा करने से आपको लगभग एक दो सप्ताह के बाद आपको हड्डी पूरी तरह से जुट जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। किसी दवा या औषधि की कोई इसमें ज़रूरी नहीं है दोस्तों, सिर्फ इसी से आपका हड्डी जुट जाएगा। यह हम नहीं, हमारे गांव में ऐसे कई उदाहरण है, जिससे हमने अक्सर पशुओं को पैर टूट जाने के बाद इस तरह के लेप लगाते देखा है और उसका पैर बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इस औषधि के विषय में खोज करने की आवश्यकता है, इसके भी और अनेक गुण और फायदे हो सकते हैं। अगर आपको बहुत कहीं पर दर्द हो रहा है हाथ पैर में, तो उस स्थान पर आप इसको लता को पीस कर पेस्ट बनाकर आप उस स्थान पर बांध देने से आपको दर्द समाप्त हो जाता है। दर्द के लिए भी बहुत लाभकारी है। जंगल के दुर्लभ औषधि की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।